चलिए एक और सवाल आपके सामने। कहते हैं आशा लिमिटेड एग्री एक्वायर बिजनेस एक्सेप्ट कैश ऑफ कमला लिमिटेड। पहले ही कह दिया आशा लिमिटेड जो बिजनेस एक्वायर करने जा रही है वो कैश को नहीं लेगी, बाकी सारी चीजों को ले लेगी। तो अब कैश को जब नहीं ले रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का बैलेंस अब नहीं आए, समझे बात। आप 31 मार्च 2023 को द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी ऑफ कमला लिमिटेड एज फॉलो। 2016 में एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। अब नई वाली बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है आपको, कुछ इक्विटी एंड लाइबिलिटी कुछ एसेट्स है। कहता क्या है नीचे, द कंसिडरेशन पेबल आशा लिमिटेड वॉज एग्री एज फॉलो। आशा लिमिटेड को कुछ कंसिडरेशन पेमेंट करेंगे, यानी सीधा पेमेंट की बात कर रहे हैं। कहता है कि अ कैश पेमेंट ₹5 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन कमला लिमिटेड। कहता है कमला लिमिटेड तुम्हारी कंपनी में जो भी नंबर ऑफ शेयर है हर शेयर के बदले मैं तुम्हें कितना देना चाहता हूं, ₹5 नगद। तो पहले निकाल लेंगे हम, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में दिखा जाए तो सबसे पहले हम कैश पेमेंट करने के लिए रेडी हैं और हर एक शेयर के बदले ₹5। तो इसके पास इक्विटी शेयर जो है दैट इज 30,000 है और गुना में 5, तो इसे कितना मिल जाएगा, ₹1.5 लाख तो कैश मिल जाएगा सेलर कंपनी को। और आगे क्या कहना है, कहता है द इश्यू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर ₹10 इज फुल्ली पेड एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹15। बोला 60,000 शेयर्स भी देंगे तुम्हें, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल भी देंगे 60,000, लेकिन उसका वैल्यू जो रहेगा वो 15, तो हम 15 से लेके चलेंगे, यानी ₹10 प्रीमियम पे जाएगा। तो दैट इज आपका हो जाएगा ₹12 लाख। 12 लाख ही होगा ना, 9 लाख, अच्छा 9 लाख, ठीक है। आगे कहता है इशू ऑफ सच इशू अमाउंट 14% डिबेंचर आशा लिमिटेड 4% डिस्काउंट सफिशियंट नंबर ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर वालों को पेमेंट करने की बात करी गई है, तो नेट पेमेंट मेथड में जो प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा और इक्विटी शेयर को दिया जाएगा वही पीसी का पार्ट बनेगा, बाकी का बस पीसी इतना ही है यहां पे। 9 लाख, 10 लाख, सर बाकी डिबेंचर वाली लाइन पार्ट देते हैं, क्या कह रहे हैं। कहते हैं द इशू ऑफ सच एन अमाउंट 14% डिबेंचर ऑफ आशा लिमिटेड 4% डिस्काउंट। कहते हैं हम इशू करेंगे 4% डिस्काउंट पे सफिशियंट डिसाइड, जो तुम्हारे 12% डिबेंचर है उस डिबेंचर को हम प्रीमियम पे ले लेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आशा लिमिटेड 100। कहा गया भैया आशा लिमिटेड, भैया बायर पहले बता देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आशा लिमिटेड बायर है और कमला लिमिटेड का, तो कमला लिमिटेड सेलर है, तो मैं यहां लिख देता हूं के लिमिटेड सेलर है और ए लिमिटेड बायर है। तो ए लिमिटेड ने बोला कि भैया मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर तुम्हें दूंगा और 5% डिस्काउंट पे दूंगा, लेकिन तुम्हारी कंपनी के डिबेंचर मैं 20% के प्रीमियम पे मैं वैल्यूएशन कर देता हूं। तो तुम्हारी कंपनी का डिबेंचर बताओ, तो इसकी कंपनी का डिबेंचर मैंने देखा तो 50,000 था, तो बोला 50 नहीं, इसके ऊपर और जोड़ दो 20%, दैट इज आपका 10,000। यानी तुम्हारी कंपनी का डिबेंचर कितने हो गए और हम अब अपनी कंपनी के डिबेंचर दे रहे हैं तुम्हें, एक डिबेंचर देंगे 95 का। एक डिबेंचर कितने का दे देंगे, 5% के डिस्काउंट पे दूंगा अपनी डिबेंचर 100 वाले, तो 95 का। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 95, तो देखा जाए तो कुछ एक ऐसा फ्रिक्शन में आ रहा है यहां पे 631, 631 ₹100 का हो जाएगा और मल्टीप्लाई जो भी डिफरेंस आएगा उसे कैश में हम मैच कर देंगे। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैश में क्या करेंगे, हम मैच कर देंगे। पहले यहां तक देखिए पीसी निकल गया, डिबेंचर की एंट्री तो बायर की बुक्स में करेंगे। और क्या बोला गया है, वाइल कंप्यूटिंग एग्रीड द कंसिडरेशन द मैनेजमेंट ऑफ आशा लिमिटेड वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग, बोला गया कि इतने पे लिया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी इतने पे लिया जाएगा, स्टॉक इतने पे लिया जाएगा, एंड डेटर देयर फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू 4% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
लिक्विडेशन अमाउंट 30,000। अब कुछ नहीं बोला कि लिक्विडेशन अमाउंट किसने पेड किया, तो क्या मानोगे किसने पेड किया, बायर या सेलर? सेलर मानते हैं भैया, क्योंकि जब बायर खरीदेगा तो स्पेशली बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोला हो तो सेलर ने पेड करा होगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कमल के लिमिटेड, मतलब जो भी के लिमिटेड सेलर है उसके बुक्स में बनाना है। पास एक्विजिशन जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आसाम, मतलब वही कहानी आ गई घूम फिर के दोनों। तो अब देखो मजे की बात देखो, जिसने पहले वाला क्वेश्चन किया होगा तो ये क्वेश्चन आया तो एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन लगेगा उसे, और वो कर सकता है आराम से। और ये क्वेश्चन जो आए हुए ना 15 नंबर का आया हुआ है, लेकिन पिछले साल 10 नंबर का क्वेश्चन आया था और बोला गया बस ज्यादा नहीं सर, परचेज कंसिडरेशन निकाल दो, इतना था और कुछ नहीं निकाल। पिछले साल जो आया था बोला गया था सिर्फ परचेज कंसिडरेशन, जो हम कल वाली क्लास में पिछले साल वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या आया था, और पिछले से पिछले साल वाला भी देख लेंगे क्या आया था, ठीक है? लगातार 2 से 3 साल बैक देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है हमारा। तो चलिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे और एक शेयर होल्डर अकाउंट बोला गया, तो पहले जैसे हमने किया था वही कहानी फिर घूम फिर के आएगी। हालांकि मैंने होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों का आंसर आ गया था? ये है हमारा, एक बोला गया एक और अकाउंट बना दो, बस इक्विटी शेयर होल्डर ना, सारे एसेट्स ले लेते हैं, गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर और कैश। कैश को लेना है क्या? नहीं लेना, मना कर दिया कि कैश को नहीं लेंगे। तो चलिए यहां टू सन्ड्री एसेट्स, क्या क्या लेना है? गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या था बताते जाइए, लैंड एंड स्टॉक डेटर, बस अमाउंट बताइए गुडविल का, 50,000, 2,20,000, 1,00,000, 80,000 और 30,000। बाय साइड में हम सारा का सारा लाइबिलिटी ले लेंगे, अब इसमें ना प्रेफरेंस शेयर था ही नहीं तो लाइबिलिटी में दो चीजें बची हैं, और ये तो अलग बात कह रहा है, एक डिबेंचर है एक क्रेडिटर है, 5, 50 और 20 है ना, तो डिबेंचर 50, ये सब बुक वैल्यू पे होता है, और क्रेडिटर कितने का 20, और बाय साइड में आ जाएगा पीसी, और बायर कंपनी कौन है भाई? बायर कंपनी हमारा है के लिमिटेड, नहीं ए लिमिटेड। 10,00,000 और तो कुछ है नहीं। अब रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, उसको पेमेंट करने का प्रोसेस की प्रॉमिस किया है तो 2 कर देंगे, बैंक और ब्रैकेट में, और कितने रुपए का, 30 का था बस, और कुछ भी है नहीं।
इक्विटी शेयर में हम ले लेंगे बाई साइड में इक्विटी शेयर, और बाई साइड में कुछ जनरल रिजर्व भी है ना, और बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस। इक्विटी शेयर कितने हैं, जनरल रिजर्व और पी एंडल, बस यहां से प्रॉफिट टोटलिंग करिए एक बार, इसका टोटलिंग करिए। अरे मैं देख रहा था कमेंट रुक गया था बच्चों का। अच्छा हो गया, बच्चे कह रहे हैं मेरा हो गया सर क्वेश्चन। क्या है, 5,10,000। अब टोटल देखा जाए मिला नहीं, ऊपर ऊपर का बताना आपको, 4,80,000। अब टोटल देखा जाए तो ज्यादा किधर है, मेरे हिसाब से 10, 4 और 3 इधर ही ज्यादा है, तो 17 लाख नहीं, 11,20,000 है ना, और इधर भी आ जाएगा 11, और 2 चला जाएगा ये इक्विटी शेयर होल्डर। कितने आ गए चेक कर लीजिएगा, 6,10। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे जो कि डिस्चार्ज में किया है। कितने का इक्विटी शेयर था, 9 लाख का। कैश भी यहीं पे आएगा, कितने का था, 1.5 लाख। और जो हमने ये मुनाफा कमाया ये बाय में चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन। प्रॉफिट कितने का था, 6 लाख। नाउ टोटल करते हैं, 10,50,000, और इधर भी आ जाएगा हमारा 10 लाख। डन, हमारा सेलर का बुक कंप्लीट। आपको अब सेलर का बुक भी आसान लगने लगा होगा, कुछ ऐसा है नहीं। और बायर की तो बस कितनी एंट्री, गिनती की 3 मेन एंट्री, बाकी हो सकती है जितने भी है। क्लियर है यहां तक, बताइए कोई डाउट नहीं। अब हमें बनाना है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री के लिए पहली एंट्री क्या होगा हमारा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, और यहां पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10 लाख सारे एसेट्स ले लेंगे हम, इसका कोई एसेट्स नहीं छोड़ने वाले। कैश को उसने बोला हम लेंगे ही नहीं, तो यहां वाली एंट्री में भी कैश को डेबिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या था, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर, और 2 में आ जाएगा डिबेंचर और क्रेडिटर। अमाउंट बता दीजिए फटाफट गुडविल का, और इन सभी का वैल्यूएशन करके बताया था कुछ कुछ, तो ध्यान दीजिएगा नीचे वैल्यूएशन भी था इसका, नई वैल्यू कह रहा था ये वैल्यूएशन मैनेजमेंट ने करा, लैंड एंड बिल्डिंग का 3 लाख करा और प्लांट एंड मशीनरी का 3.5 लाख किया। लैंड एंड बिल्डिंग का करा 3 लाख और इसका 3.5 लाख। स्टॉक का क्या किया बताइए, और डेटर पे कहता है 5% का प्रोविजन लगा दो, 4% का, तो कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, माइनस माइनस करके मुझे ये बताओ ना, ये डेटर कितना आ रहा है। अरे भाई साहब, कैसे दोगे एग्जाम, कहता है कि फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू 4%
डेटर के ऊपर, और हमारा डेटर देखा जाए तो डेटर कितने का है साहब, 30 का है। अब 30 में से 4% का कहता है कि द डेटर देयर फेस वैल्यू सब्जेक्ट टू अलाउ 4%। तो भाई साहब इसमें से 4% घटाओगे ना तो 30,000 कहां से आ रहे थे इतनी देर से? आप 30-30 कह रहे थे, 28,800। वो प्रोविजन नीचे डाल दिया होगा, ठीक है ना? देखो बुक के अंदर प्रोविजन नीचे आ गया होगा तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन मत लीजिए, आंसर हमारा इक्विवेलेंट रहेगा। मैं इसलिए भी थोड़ा सा आंसर में चेंज कर देता हूँ कि होमवर्क देता हूँ तो बच्चे बुक का ना टेप ले, ठीक है ना? क्योंकि वो वैसे कर देंगे देख के, भाई वह वहीं का वहीं। अब मैंने कराया नहीं कभी प्रोविजन, और बच्चा करके लिया गया सर क्रेडिट आ गया प्रोविजन, पकड़ा जाएगा वो वहीं से कराया उसने, ठीक है? डिबेंचर कितने का था? 50,000। और तो बाकी जो बुक में है वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन करने का अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न हो जाता है। अब सर यहां पे पीसी आ जाएगा, पीसी आ जाएगा आपका कितना? 10,50,000। डेबिट क्रेडिट चेक कर लो, इन सभी का टोटल बताइए क्या आ रहा है। मैं रफली लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना। दस लाख अट्ठावन हजार आप भी चेक कर लीजिएगा, और ये आ रहा है हमारा 11,00,000। चेक करिए टोटल, यानी यहां सर डेबिट में ही निकल रहा है, तो एक फ्रेश गुडविल और आ गया 82। तो इसको अलग अलग गुडविल लिखिए, जब नई बैलेंस शीट बनाइएगा तो मर्ज कर दीजिएगा ये, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। 40 आ रहा है, 20 आएगा, 50, 20, अच्छा 11, 20 गलत है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ बता दो भाई आप, चेक कर लेते। अरे 10,58 ही तो आ रहा है, कैसे 7,00,000? 7.5 ये हो गया खुद ही, 6.5 या 2.8। आप बुक में से तो देख के नहीं बोल रहे, 3,00,000 और 3.5 लाख, 6.5 लाख, 2 लाख, तो 9 लाख ही हो गया, तो 7 लाख कैसे पहुंच जाएगा वो? थोड़ा बहुत देखो कैलकुलेशन में ना दिमाग में रखना। ये 28 है, बहुत ज्यादा गुडविल आ गया इसका टोटल ये आया। अब इसमें से ये घटा देंगे, तीन लाख 21,200। ठीक है, आप चाहें तो एक जो ये वाला गुडविल, इन गुडविल को मर्ज करके भी दिखा सकते हैं आप, 3,71,200, जो कि आपको बुक में देखने को मिलेगा, समझे बात? आप इसको मर्ज करके भी अलग अलग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग भी दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आप पहले लिख लोगे, बाद में पता चलेगा भाई ये तो गुडविल निकल के आए। आ जाइए अब आप अगली एंट्री, पीसी को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो लिक्विडेटर अकाउंट भाई साहब कितने का? 10,50,000। लिक्विडेटर भाई मैंने तुझे कैश दिया है, कैश दिया है 1,00,000, और लिक्विडेटर भाई मैंने तुझे इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया है। अब अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की हम बात करें ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दिए हैं उसे हमने? 60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हैं, और 60,000 इंटू में 10, तो यानी 60,000 इंटू में 10 रुपए का इक्विटी शेयर, तो आ गए 6,00,000। बाकी का क्या रहा था सर? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का?
तो ये लिक्विडेटर को अगर थोड़ा यहां से जानदार एंट्री में, इसको वैसे भी कोई जान तो है ही नहीं, वैसे मैं कह सकता हूं कि यहां पे गलती कर देते हैं बच्चे कई बार, ठीक है। अब डिबेंचर को डिस्चार्ज करते हैं, पहले यहां तक देखिए कोई डाउट, यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है ना सर, इसके अंदर लास्ट है, और भी क्वेश्चन लेंगे ऐसी बात नहीं है। चले सर, डेटर 28,800 कैसे आ रिगार्ड आया, प्लीज एक बार डिबेंचर, डिबेंचर निकालेंगे अभी, डिबेंचर पे तो आ रहे हैं, डेटर कैसे आया बच्चों को बताओ भाई। 30,000 का था और इसमें से हमने घटा दिया 4%, तो जब इसमें से 4% आप घटाओगे तो यही आएगा, मतलब जो भी घटा के यही आएगा। अब आ जाते हैं कम टू द पॉइंट डिबेंचर पे, मैं डिबेंचर दोबारा बता देता हूं आपको भाई। एक है ए लिमिटेड, एक है के लिमिटेड, के लिमिटेड सेलर है और ये बायर है। चलिए पढ़ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो गया। क्या कहता है, द इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ 14% डिबेंचर ऑफ आशा लिमिटेड, यानी इसने इशू करना है, इसने कहा कि इशू सच ऑफ आशा लिमिटेड, इसको इशू करेगा, यानी बायर ने ठान लिया कि मैं तुम्हें डिबेंचर दूंगा और 4% पे डिस्काउंट पे दूंगा, यानी जो भी डिबेंचर है तो मैं अपना डिबेंचर तुम्हें 94 रुपए का दूंगा। अच्छा वो गलत हो गया, 4% होता है 4, तो बचा 96 का, 4% का मतलब होता है -4 रुपए करके 96 रुपए का मैं तुम्हें अपना डिबेंचर दूंगा बदले में। कहता है डिस्चार्ज, बदले में तुम्हारी कंपनी के जो कमला, तुम्हारी कंपनी के जो डिबेंचर, उसको 20% पे वैल्यूएशन कर लूंगा। तो कमला तुम्हारी कंपनी के डिबेंचर कितने, कमला ने बोले मेरी कंपनी के डिबेंचर, मैंने बोला तुम्हें 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा प्रीमियम, दैट इज 20% कितना होगा 10,000, किसका साहब 20%। तो ये आगे हमारा कितने, अब 60,000 की हम बात करें तो 60,000 जो हमने 20% दिया है, इस हम 60,000 की बात करते हैं तो 60,000 का तुम्हें सामान मिलेगा, लेकिन एक सामान कितने का होगा, 96 का होगा, तो नंबर निकालना पड़ेगा अदर देन कैश में सीखा हो तो 60,000 डिवाइडेड बाय 96, तो 625 डिबेंचर तुम्हें हम अपनी कंपनी के दे देंगे। तो चलिए डिबेंचर इशू करते हैं, तो 14% डिबेंचर तुम्हारी कंपनी के पहले थे, उसको डेबिट कर दिया जाएगा अकाउंट डेबिट, दैट इज 50,000, ठीक है, और हम तुम्हें डिस्काउंट पे भी देंगे और साथ के साथ तुम्हारा डिबेंचर हम प्रीमियम पे भी ले लेंगे। तो भाई साहब तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट कर देते हैं, तुम्हें देना है ना हमें सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, कितने सिक्योरिटी प्रीमियम साहब डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 10,000, और टू हम तुम्हें डिबेंचर देने वाले हैं, टू डिबेंचर देने वाले हैं 625 और गुना में 100, यानी सर 62,500, और ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट भी तो डेबिट होगा, डिस्काउंट जो हमने इशू पे किया है डिबेंचर पे, या मैं इसको तोड़ के कर दूं अलग अलग तो बेहतर रहेगा आपके लिए, तोड़ के कर देता हूं। 14% डिबेंचर 50,000, इसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे 10,000, और किसको दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को, टोटल कितना दिया जाएगा 60,000, तोड़ के कर देते हैं। अब एक और एंट्री हो जाएगा, भैया डिबेंचर होल्डर आ जाओ, तुम्हें देने 60,000 है लेकिन तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा सर, तो डिस्काउंट कितना है 625 गुणा में 4, और तुम्हें डिबेंचर मिल जाएगा 625 गुणा में 100, यानी सर 62,500,
यानी 2500 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट रहेगा। ये लीजिए इशू हो गया डिबेंचर। देखिए यहां तक देखिए, कैश क्यों नहीं लिया रियलाइजेशन में, सवाल ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि कैश नहीं लेंगे। आप पढ़िए टेन ईयर के अंदर पहली लाइन कहता है कैश नहीं लेंगे। सभी के न्यू वीडियो अपलोड होंगे, ईसॉप का तो मैं स्पेशली अलग से ही कराऊंगा। लास्ट एंट्री एक बार और चलिए, अगर लास्ट एंट्री को देखें, पहले आपको लास्ट एंट्री को करने से पहले आपको ये वाली कहानी समझ में आई क्या? आप बताइए ये वाली कहानी समझ में आई कि भाई मैं, मुझे जो मिलना है ना, कितने का वर्थ मिलना है मुझे, जो सेलर कंपनी बोल रहा है मुझे भैया 60,000 मिलेगा, बायर कंपनी कह रहा है 60,000 तो देंगे लेकिन तुम्हें हम अपनी कंपनी का शेयर डिबेंचर सस्ता देंगे, यानी 625 देंगे। तो सेलर कंपनी दिमाग लगाएगा, 625 डिबेंचर देगा और 100 रुपए का देगा, यानी हमें 62,500 का सामान मिलेगा, यानी इस कंपनी का कितना फायदा हो गया देखो, के 50 के बदले उसे 62,500 मिल रहा है, और 62,500 जो मिल रहा है उसमें से 10,000 तो प्रीमियम का मिल रहा है और 2,500 रुपए डिस्काउंट का मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या एंट्री किया यहां पर, हमने यहां पे एंट्री किया कि भाई साहब 14% डिबेंचर, पहले तो बुला लिया कि भाई डिबेंचर होल्डर तुम्हें आना पड़ेगा, तो 14% डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर दिया, क्योंकि ये एंट्री कौन कर रहा है, बायर एंट्री कौन कर रहा है, तो बायर जब प्रीमियम देगा सेलर कंपनी को उसके लिए तो नुकसान है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसलिए उसने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया और बोला यार डिबेंचर होल्डर तुझे तो 60 देने पड़ेंगे। अब जब डिबेंचर होल्डर को मैं 60 देने के लिए गया तो उसको बोला 625 पे तो 4 रुपए का डिस्काउंट, ये भी नुकसान है, तो इसलिए बायर ने इसको भी क्या कर दिया सर, डेबिट 25, तो टोटल डिबेंचर को कितना मिल गया, 62,500। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट होगा। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता कि कल क्लास में रख रहा हूं, क्योंकि कल इसके जितने भी 13 क्वेश्चन होमवर्क में वो करिएगा, और 10 ईयर में पास जितने भी क्वेश्चन आए आप वो ट्राई करेंगे। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं 1 से 13 में परसों सवाल चेक करूंगा, 1 से 13 जिसके अंदर मर्जर लिखा हुआ है, शायद 2 सवाल के अंदर मर्जर लिखा हुआ है उसे नहीं करना। मैंने एडजस्टमेंट कर दिया था ना, कॉमन डेटर कॉमन बीपी अनरियलाइज कर दिया था ना, ये सारे एडजस्टमेंट तो हो गए। हाँ ठीक है, आज मैंने डाल दिया है कौन कौन से चैप्टर आपको एग्जाम से पहले कर लेने चाहिए, आज मैंने डाल दिया है, पर आज मैंने अपलोड कर दिया है कि इसके डाउट, जितने बच्चों के डाउट आ रहे हैं तो इंस्टेंट सिर्फ सेमेस्टर 4 वालों के लिए डाउट के लूंगा मैं, अभी सेमेस्टर 4 वालों के लिए लूंगा, 2 वालों के लिए मैं अलग से डाउट सेशन लूंगा, तो 4 वालों के लिए मैंने नंबर दे दिया, उसी नंबर पे अपने डाउट भेजिएगा। पुराना क्या आया नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अभी आपको। डेटर वाला बता दो, इसमें डेटर में क्या था, अरे भाई डेटर में आपने प्रोविजन कितनी बार लगाया 12वीं क्लास में, तो डेटर 30 का था उसमें बोला 4% कम पे ले जाऊंगा, तो 4% माइनस कर दिया, तो 30,000 में से 4% माइनस यानी 1,200 रुपए माइनस करोगे तो 28,800 आएगा, ठीक है।